हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पेटीएम की मदद से अपना मोबाइल रिचार्ज कैसे कर पाओगे। आपका कोई सा सिम क्यों ना हो, यहाँ पे आइडिया, वोडाफोन, जियो, कोई सा भी सिम क्यों ना, आप बिल्कुल इजी तरीके से अपने पेटीएम के द्वारा वहाँ पर रिचार्ज कर पाओगे। तो वहाँ पर पेटीएम से रिचार्ज करने का खास कारण होता है कि अगर आप किसी रिटेलर से रिचार्ज कराते हो तो आपको वहाँ पर अगर 399 का पैक है ना, तो आपको पूरे 399 आपको वहाँ पर देने पड़ते होंगे। बट पेटीएम से अगर खुद से रिचार्ज करोगे ना, तो आपको वहाँ पर कुछ कैशबैक मिलने वाला है पेटीएम की ओर से। अगर रिचार्ज का खर्चा कम लगने वाला है, अगर 399 का रिचार्ज है उसमें 50% कैशबैक मिलता है, यानी 250 में आपका एक महीने का रिचार्ज हो जाएगा। तो ये कुछ होता है खूबी, जो आप अपने खुद से रिचार्ज करोगे तो आपको यहाँ पे पेटीएम से कैशबैक मिलता है। तो अभी आपको रिचार्ज कैसे करना है आपको यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सारा चीज़ हटा देते हैं। हटाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले पेटीएम ओपन कराना। आप जैसे ही पेटीएम ओपन करोगे यहाँ पे आपका पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आपका पासवर्ड फिलअप करना है। यहाँ पे देखो, पेटीएम ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। देन देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे देखो कुछ स्क्रॉल डाउन नीचे करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, तो आपको क्या करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है। तो आपको देखो यहाँ पे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स का ऑप्शन आता है ना, तो यहाँ पे सिर्फ मोबाइल रिचार्ज ही नहीं बॉल की बहुत चीज़ यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हो। देखो जो फर्स्ट में जो ऑप्शन होता है ना, वहाँ पे मिलता है मोबाइल रिचार्ज का। यहाँ पे देखो मिलता है रेंट, वीजा, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन। यहाँ पे D2H रिचार्ज कर सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल पे कर सकते हो, यहाँ क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पे गूगल प्ले का रिडीम कोड बना सकते हो, यहाँ पे अपना गैस सिलेंडर भी बुक कर सकते हो। तो ये होता है कुछ पेटीएम में खास। अगर आपको वहाँ पर दो रिटेलर आपका ज़्यादा ले रहा है ना, तो आप खुद से करोगे तो आपका पैसा कुछ बचने वाला है। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप अपना मोबाइल रिचार्ज कैसे कर पाओगे। तो सिंपल आपको देखो यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज का जो ऑप्शन मिल रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको देखो यहाँ पर फर्स्ट में मांगा जाएगा इंटर नेम और मोबाइल नंबर। तो आपको इंटर नेम में डालना है क्या, अगर आपके पास आपका नंबर सेव है फोन में, आप उसको रिचार्ज करना चाहते हो ना, तो आप यहाँ पे से उसका नेम डाल सकते हो। नेम जैसे ही डालोगे ऊपर आपका नेम जो भी नंबर सेव रहेगा वो आ जाएगा। अगर आपको दूसरा का किसी दूसरे को रिचार्ज करना है ना, तो आपको यहाँ पर सिंपल नंबर डालना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं आपको एक नंबर डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई नंबर डाल दिया, नंबर डाल देने के बाद देखो यहाँ पर रिचार्ज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा सिम है आपको खुद आ जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ VI का सिम है ये, तो यहाँ पे खुद यहाँ पे देखो सारा प्लान भी आ गया। एंड यहाँ पे चाहो तो आप देखो यहाँ पे VI का सिम है। अगर चाहो तो जैसे कि आप कोई होता है कि एयरटेल से वो जियो में सिम करा लेता हो, तो यहाँ पे देखो वहाँ पर जैसे नंबर डालोगे तो वहाँ पे डायरेक्ट जियो लिख देगा। एंड रिचार्ज करोगे तो रिचार्ज नहीं होगा, यहाँ पे एक खास एक रीजन होता है। तो उसको आप कैसे चेंज कर पाओगे, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो VI पर जैसे लिख रहा है वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका कौन सा सिम है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो VI है, BSNL, जियो प्रीपेड है, एयरटेल प्रीपेड है। आपका कौन सा सिम हो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका सिम है, जिस भी कंपनी में सिम अभी ऑपरेट कराए हो ना, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि VI का, तो मैंने इसको VI का सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो सर्कल सिलेक्ट करने का आएगा, आपका सिम कहाँ का है। यहाँ पे देखो आपने अगर जो बिहार में चालू कराया हो तो आपको बिहार सिलेक्ट करना है। दिल्ली में चलाए अगर दिल्ली का सिम है आपको, तो यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमें मेरा बिहार का सिम है तो मैं बिहार झारखंड सेलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देन देख तो आपको यहाँ पे सारा प्लान आ जाएगा। जो भी आपका सिम कार्ड हो, जो भी प्लान अभी चल रहा होगा, वो आपको सारा प्लान आ जाएगा। अगर आपको डाटा करना है तो यहाँ पर देखो डाटा का ऑप्शन मिलता है, जो कि यहाँ पर डाटा पर जैसे ही क्लिक कर दोगे ना, तो जितना भी डाटा का जो ऑफर होता है वो सारा शो हो जाएगा। एंड क्रिकेट पैक्स है, अनलिमिटेड पैक्स है, यहाँ पर देखो कॉम्बो है, टॉक टाइम है, 28 डेज का जो प्लान होता है वो है, रोमिंग का प्लान है, और यहाँ पर देखो प्लान वाउचर है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अनलिमिटेड का रिचार्ज करना है, तो आपको अनलिमिटेड पर क्लिक करना है। अभी आपका पैक 28 दिन का अनलिमिटेड कितना मिल रहा है देखो, 299 में मिल रहा है, यानी 229 में मिल रहा है, देख लो। तो यहाँ पर 28 दिन का ऑफर आपको दिया गया, तो यहाँ पर कितना देगा, 1.5 GB डे देगा। तो आप चाहो तो इसको रिचार्ज कर सकते हो। अभी डाटा का रिचार्ज करना हो तो आप यहाँ डाटा का भी रिचार्ज कर सकते हो। आप डाटा पर सिंपल क्लिक करोगे तो आपके सिम में जो भी प्लान चल रहा होगा आपका सारा शो हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ से जो भी प्लान आप सिलेक्ट करोगे ना, जैसे मान लो मुझे करना है डाटा का रिचार्ज 58 रुपये का, तो सिंपल क्या करूँगा आपको उस पर क्लिक कर लूँगा। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने देख लो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लान आ गया, डाटा का वैलिडिटी आ गया, 28 दिन का दिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको देखो पेमेंट करने के लिए क्या करना है, आप यहाँ पे प्लान भी चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे ही पे कर दोगे ना, तो आपका यहाँ पे रिचार्ज हो जाएगा सक्सेसफुली। अगर आपका UPI से रिचार्ज करोगे तो हमें पे करने पर आपका UPI मांगेगा, तो आपको UPI फिल करना है। बट मेरे पास कोई UPI नहीं है, जैसे मैं पे करूँगा तो रिचार्ज हो जाएगा, बट मुझे यहाँ पर रिचार्ज नहीं करना है। मैं आपको बताने के लिए बस वीडियो बना रहा था, तो आप इजी तरह से रिचार्ज कर पाओगे। सो दोस्तों, आई होप आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं ऐसे न्यू कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।